हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर बी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं, तो आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स में पहले चैप्टर में एक टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसी के साथ हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो पहले हम देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव, यदि हम दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी दो आवेश इस प्रकार से लें जिनके परिमाण सेम हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो, एक माइनस आवेश हो और दूसरा प्लस आवेश हो, और दोनों को एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रख दें, तो आवेशों से बने हुए इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा बन के आएगी कि यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव की छोटी सी परिभाषा हो गई। यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो आवेशों के इस निकाय का मतलब यहाँ पर सिस्टम से होता है, तो आवेशों के इस निकाय या फिर सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव के संदर्भ में कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे इस चित्र में दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पर माइनस क्यू आवेश है और पॉइंट बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर हैं, तो आवेशों का यही निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा AB है वो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है, एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। तो इस द्विध्रुव में जो माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से बना हुआ है, इसमें ए बी जो रेखा है यही रेखा क्या कही जाएगी, इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कही जाएगी। जैसे ए बी विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है और इस माइनस क्यू एवं प्लस क्यू या फिर कह ले दोनों विपरीत आवेशों के बीच की जो दूरी है वही द्विध्रुव की लंबाई कही जाती है। तो क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिसको आप चित्र में देख रहे हैं, मध्य बिंदु O से L दूरी यहां है और मध्य बिंदु O से L दूरी यहां है, तो A और B की पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2L। 2L विद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो ये द्विध्रुव के विषय में जानकारी हुई। अब आगे हम देखेंगे कि इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जिसमें हम देखते हैं कि इस द्विध्रुव में एक आवेश को लेते हैं और इस द्विध्रुव की लंबाई को लेते हैं, दोनों का परस्पर गुणा कर देते हैं तो जो हमको राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बन के आएगी कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से बना हुआ, यानी दोनों में से प्रत्येक का परिमाण क्यू है। तो एक परिमाण क्यू ले लिया और इस द्विध्रुव की लंबाई 2L है, तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, क्यू और 2L का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे कि यदि द्विध्रुव में प्रत्येक आवेश का परिमाण क्यू हो तथा द्विध्रुव की लंबाई 2L हो, तो द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, कोई एक आवेश Q और मल्टीप्लाई 2L। ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये एक सदिश राशि है, तो अगर सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा होगी। तो क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी जिसको हम देखते हैं माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। तो क्या लिखेंगे, जिसकी दिशा द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी, यानी इस विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, या कह लें इसके अक्ष के एलांग, अक्ष के अनुदिश। तो अक्ष क्या है, ए बी है, तो ए बी के दिशा में ही क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, या कह लें कि माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। अब आगे होता है कि इसका मात्रक क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल है, तो यहाँ पर Q का मात्रक और ट्वाइस L लंबाई का मात्रक अगर ले लें और उसको गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। तो आवेश Q का मात्रक होगा कूलम और 2L लंबाई है तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलम मीटर। और बात करते हैं अगर विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र क्या होगा, आवेश का AT और लंबाई का L, इसको लिखेंगे L T A और M को भी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, M पे 0, L पे 1, T पर 1 और A पर 1। ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो आवेशों के इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसमें आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको द्विध्रुव का अक्ष, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। साथ ही दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है वो द्विध्रुव की लंबाई कही जाती है और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होता है। अब द्विध्रुव से किसी बिंदु की दूरी को हम O से ही मापते हैं। आगे दूसरा जो टॉपिक हमारा रहा विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसमें हम देखें कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, जैसे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ विद्युत द्विध्रुव है, तो किसी एक आवेश का परिमाण Q तथा द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको हम P से लिखते हैं
तो P इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल हो जाता है। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को हम एक सदिश राशि के रूप में देखते हैं जिसकी दिशा क्या होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, या कह लें कि इस द्विध्रुव के अक्ष ए बी के अनुदिश होती है। शादी इसका मात्रक हमने कूलाम मीटर को देखा और इसका विमित सूत्र एम जीरो एल वन टी वन ए वन के रूप में देखा। तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव के विषय में संपूर्ण जानकारी रही जिसमें हमने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को देखा और विद्युत द्विध्रुव से संबंधित और टर्मिनोलॉजी को देखा जिसमें विद्युत ध्रुव का अक्ष क्या होता है उसको देखा, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है उसको देखा और विद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु क्या होता है उसको देखा और मध्य बिंदु से ही विद्युत द्विध्रुव से किसी बिंदु की दूरी मापी जाती है और साथ ही हमने एक अलग से टॉपिक को देखा जिसको विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसको देखा, वो सदिश है कि अदिश है उसको देखा, अगर सदिश है तो उसकी दिशा क्या होती है वो देखा। इसके साथ ही हमने इसके मात्रक कूलाम मीटर को देखा और इसके विमित सूत्र एम जीरो एल वन टी वन ए वन के रूप में देखा। आगे हम द्विध्रुव से संबंधित और भी जानकारी आगे के वीडियो क्लिप में लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।